अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग गुनाह करना छोड़ दो, मौत के वक्त तुम पर आसानी कर दी जाएगी। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये मत समझें कि आप नमाज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है कि अल्लाह आपसे मुलाकात करना ही पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत की तरफ से ज्यादा खदशा हर उस मुनाफिक से है जो जुबान दान हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने लिए दूसरों से सवाल करने का दरवाजा खोल देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए फिक्र का दरवाजा खोल देता है। इंसान की मुनाफिकत तो देखो, लोगों में नेक दिखाना चाहता है और तन्हाई में गुनाह कर रहा है। नेक दिखाना चाहता है, नेक बनना नहीं चाहता। खुशखबरी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामाए अमाल में इस्तगफार को कसरत से पाए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजू का पानी जहाँ जहाँ पहुँचता है वो सारे अंग बहस्ती जेवरों से सजाए जाएंगे। आप सभी को जुम्मा मुबारक।